राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई चल रही है और ठीक ऐसे समय में कल्याण सिंह 87 साल की उम्र में एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता हासिल करते हैं। इसका मतलब क्या है ये समझाने के लिए हम इस वक्त दो माल एवेन्यू में मौजूद हैं, जो कि उनके पौत्र और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संदीप सिंह जी का ये सरकारी बंगला है। आज यहीं कल्याण सिंह ने सदस्यता लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल्याण सिंह ने ये बताने की कोशिश की कि वो जब तक राजभवन में रहें, राजस्थान के राज्यपाल रहें, संवैधानिक मर्यादा से वो बंधे हुए थे, लेकिन अब वो राज्यपाल के पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और अब वो सक्रिय सदस्य के रूप में बीजेपी के एक बार फिर से सदस्य बन गए हैं, बीजेपी के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि वो पार्टी में किसी के प्रतियोगी नहीं हैं, एक सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी संदेश साफ है, वो सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे। तमाम जो लोग हैं उनको चाहने वाले, उनके अपने फॉलोअर्स, उनको नेता मानने वाले, जब वो सदस्यता ग्रहण कर रहे थे तो इस मौके के साक्षी बनने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? शिवदास वर्मा नाम है, हम आंवला विधानसभा से बरेली जिले से आए हैं। क्या कारण है, यहाँ क्यों आए? हम बाबूजी के साथ, बाबूजी सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में आए, हम बाबूजी के साथ हैं, तन मन धन हर तरह से बाबूजी जहाँ हैं बाबूजी साथ हैं, बाबूजी साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी साथ रहेंगे। आप कहाँ से हैं? एडवोकेट अमनीशपुर, बरेली से ही आया हूँ। तो 87 साल की उम्र में कल्याण सिंह जी ने बीजेपी की सदस्यता ली है, तो अब तो ये सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे, तो आप लोगों को क्या लाभ होगा? उम्र कोई मायने नहीं रखती राजनीति में, मायने ये रखता है कि आदमी की विचारधारा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका अभिमान क्या है। माननीय बाबू जी का जो अभिमान और उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए वो आए हैं और हम सब उनके साथ हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? बाबू जी के गृह क्षेत्र से आए, अतरौली। अतरौली से? अतरौली से। अतरौली उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है। क्या अब अभी भी क्या वही करिश्मा उनके फॉलोअर्स को इनमें दिखता है? बाबूजी एक लोह पुरुष हैं, उन्होंने पार्टी और मजबूत होगी बीजेपी की, ऐसा हमें विश्वास है बाबूजी का। कहाँ से आए हैं? हम अतरौली से आए, जहाँ से बाबूजी हैं। क्यों आए हैं? बाबूजी की लोकप्रियता देख के और उनका हमारे क्षेत्र की तरफ ज्यादा प्यार रहता है। प्यार रहता है। क्यों भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? चूंकि अलग अलग लोगों जो लोग हैं अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। हम मैनपुरी से आए हैं। हाँ, बाबूजी एक लॉ पुरुष के रूप में काम करते हैं, उनकी स्वच्छ छवि के प्रति हम लोग यहाँ आए हुए हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। 87 साल की उम्र में एक नेता सदस्यता ग्रहण करता है और कॉन्फ्रेंस करके ये कहता है कि आप बाहर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरी जमा पूंजी क्या है, मेरी राजनीतिक थाती क्या है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे, लेकिन पार्टी कल्याण सिंह का किस तरीके से उपयोग करेगी, कौन सी भूमिका का निर्वहन वो करेंगे, ये पार्टी तय करेगी। 2022 का चुनाव भी है और राम मंदिर निर्माण भी कहीं ना कहीं अपना रास्ता देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई चल रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि 1.5-2 महीने में फैसला आ सकता है, और उपचुनाव और 2022 को लेकर कल्याण सिंह की क्या भूमिका होगी ये पार्टी तय करेगी। कैमरा पर्सन मिथिलेश गुप्ता के साथ अमित कुमार सिंह, लखनऊ।